हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम अपने वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 4 को शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग इस वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हमने एक बड़ा सा एनिमल फार्म और एक बड़ा सा फूड फार्म बना रखा है और साथ ही साथ हमने एक अपना ओपी सा हाउस बना रखा है, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। कई लोगों ने तो 10 में से इसे 8 और 9 रेटिंग भी दी थी और कुछ लोगों ने 10 में से 10 रेटिंग भी दी थी। बट आज की इस वीडियो में अपने एक नए बिल्ड को बनाने वाले हैं, तो उस बिल्ड को बनाने से पहले मैं इस वीडियो का लाइक एम बता देता हूँ। इस वीडियो का एम है 100 लाइक एंड आई होप आप इस एम को पूरा कर दोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपना एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं जो कि लाइक हाउस की शेप में होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर हम उसमें अपना एंटाइनमेंट सेटअप भी बनाने वाले हैं। अब क्योंकि आज हमको बहुत सारा काम करना है, तो फटाफट से काम को शुरू करते हैं। अब लास्ट वीडियो में तो मैं अपना हाउस पूरा कंप्लीट बना लिया था, बट अपनी सारी चेस्ट को हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं किया था, तो मैं फटाफट से सारे सामान को अपने हाउस के अंदर चेस्ट लगा के शिफ्ट करने लग जाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो इनको शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, और आप इन सभी ब्लॉक्स को देख के पता लगा सकते हो कि मैंने इस वर्ल्ड पे कितनी ज्यादा मेहनत करी है और कितने ज्यादा ब्लॉक को माइन किया है। अब फाइनली हमने अपने बेस के ऊपर रखा हुआ सारा सामान अपने हाउस में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं आ जाता हूँ अपने हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हमारा पर्सनल रूम होने वाला है, एंड आप देख सकते हो कि मैंने अपना सारा कीमती सामान यहीं पे रखा हुआ है। तो फटाफट से आप सो के डे कर देते हैं एंड नेक्स्ट डे एक बढ़िया मॉर्निंग के साथ फटाफट से चलते हैं अपने बेस के ऊपर एंड फटाफट से मैं यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को ब्रीड करवाने लग जाता हूँ। सभी जानवरों को खाना खिलाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने फार्म के अंदर और मैं अपने फार्मर भाई से पूछता हूँ कि क्या मैं यहाँ से बहुत सारे आलू ले सकता हूँ। तो मेरे को कहते हैं कि आप जितने चाहो यहाँ से आलू ले सकते हो। खैर हाँ, मैं ये बकवास की बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सारे आलू चुरा लेता हूँ और वो बेचारे यहाँ पे फटाफट से सारे आलू दोबारा से लगाने लग जाता है। फिर मैं उनमें से कुछ आलू अपने पिक्स को भी खिला देता हूँ, क्योंकि यार मैं इतना खराब इंसान नहीं हूँ, मैं अपने बेस के ऊपर सभी जानवरों की इज्जत करता हूँ। खैर वो अलग बात है कि बाद में हम इनको ही पका के खा जाएंगे। तभी मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ी सी माइनिंग कर लेनी चाहिए और कुछ ब्लॉक को माइन करने के बाद यहाँ पर एक जोम्बी विलेजर आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर अभी सुबह हो रही है, तो ये धूप की गर्मी से मरने लग जाता है और तभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसे कैसे कवर करूँ, बट मैं इसे बचा नहीं सका, तो फटाफट से मैं दोबारा माइनिंग करने लग जाता हूँ। काफ़ी देर तक बिना रुके माइनिंग करने के बाद मेरे को एक सुपर चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर से मेरे को 2 डायमंड मिल जाते हैं और कुछ गोल्ड का सामान मिल जाता है। तो मैं फटाफट से उसको ले लेता हूँ और यहाँ पर एक कवर बनाने लग जाता हूँ, जिससे अगली बार कोई ज़ोंबी विलेजर आए तो वो धूप की गर्मी से ना मरे। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने इस पूरे कवर को बना के कम्प्लीट कर लिया है। ये दिखने में तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसको हम बाद में डेकोरेट कर देंगे। बट वेट, यहाँ पे माइनिंग करते हुए एक नया लेवल अनलॉक हो चुका है, जो कि है लेवल 6 द डीप वाटर। अब क्योंकि ये लेवल पूरा ओशन का होने वाला है, तो इसके अंदर हमें ओशन मॉन्यूमेंट के बहुत ज़्यादा मॉब भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से सिक्योर होना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मछली आ जाती है। अब ट्राई तो मैं ये करता हूँ कि इस मछली को मैं वाटर बकेट में कैप्चर कर लूँ, बट ये बहुत बड़ी होने के कारण यहाँ पर कैप्चर हो ही नहीं रही थी, तो मैं इसको मार देता हूँ और आगे माइनिंग का काम को शुरू कर देता हूँ। तभी यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से 3 TNT और एक आयरन इंगेट मिल जाता है। तभी मैं और ज़्यादा माइनिंग करने लग जाता हूँ, तो यहाँ पे ओशन के अलग अलग ब्लॉक्स आने लग जाते हैं। अब क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा माइनिंग कर चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है अपने बिल्ड के काम को शुरू करने का। तो मैं अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ, जो कि पूरा खाली है, और इसी बेस के ऊपर हम अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं। अब क्योंकि इस बिल्ड को बनाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा मटेरियल लग जाएगा, इसलिए मैं अपने हाउस में आ जाता हूँ और यहाँ पे पहले से मैंने जितना मटेरियल क्राफ्ट कर रखा है उसको फटाफट से अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ और बहुत ज़्यादा लकड़ियों को काट लेता हूँ, क्योंकि हम अपना इस बिल्ड को लकड़ी से बनाने वाले हैं। तो सभी लकड़ियों को कट करके मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता हूँ और सारा सामान चेस्ट के अंदर सेफली रख देता हूँ। अब क्योंकि हम अपने बिल्ड का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, तो उसके सरफेस के लिए मैं कॉबलस्टोन का यूज़ करता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसके बेस और फ्रेम का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे रात हो चुकी है, तो फटाफट से सो के आ जाते हैं। अब इसके फर्स्ट फ्लोर के फ्रेम का काम कंप्लीट होने के बाद मैं सेकंड फ्लोर के बेस को बनाना शुरू कर देता हूँ और इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए मैं डिफरेंट टाइप की वुड का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी आप सभी देख सकते हो कि मैंने अपने बिल्ड का काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिया है। लगभग हमारा ग्राउंड फ्लोर बनके तैयार हो चुका है। अब हमें बहुत सारे सैंड को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए लगाना है, ताकि हम बहुत सारे ग्लास पैनल्स बना सके और सभी विंडो में उन्हें लगा सके। एंड आप अंदर से देख के तो समझ ही गए होगी कि ये बिल्ड बनने के बाद कितना अच्छा लगने वाला है। और फर्स्ट फ्लोर की वॉल का काम मैंने अभी शुरू कर दिया है। अब फटाफट से इस फ्लोर की भी सभी वॉल का काम कंप्लीट कर लेते हैं, देन मैं आप सभी से मिलता हूँ।
अब सभी काम को करते हुए यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से अपने हाउस पे आ जाता हूँ। अब क्योंकि हमें ग्लास बनाने के लिए बहुत सारे सैंड की जरूरत होगी, तो मैं सभी चेस्ट में चेक करने लग जाता हूँ कि हमारे पास कितना सैंड है, और जितना भी सैंड होता है मैं फटाफट से उसको ले लेता हूँ। अब मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से 3 से 4 स्टैक सैंड मिल चुका था, और सभी फर्नेस को उसी प्लेटफॉर्म पे जाके लगा देंगे, और जितना भी सैंड मेरे पास है उसको वहीं पे स्मेल्ट कर लेंगे, जिससे लगे हाथ में उनको ग्लास पैनल में कन्वर्ट करके यहीं पे लगा दूँ। अब सभी ग्लास पैनल को विंडो में लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे चेस्ट के अंदर मैंने लगभग 2 डायमंड रखे हुए थे, मैं उनको वापस ले लेता हूँ और यहाँ पर एक डायमंड की एक्स बना लेता हूँ। अब रेगुलर बेसिस में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ट्री को हार्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायमंड की एक्स बना ली है। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि यार इस वर्ल्ड में हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, हमारे पास सारा डायमंड का सामान है, पूरा डायमंड का आर्मर भी है। अब मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के सरफेस पर लगाए हुए सभी कोबलस्टोन को अपने वुड से एक्सचेंज कर देता हूँ, और ये दिखने में जगह कितनी औसम लग रही है फटाफट से कमेंट करके बता दो। बट अभी कमेंट मत करो, क्योंकि पूरा बिल्ड कंप्लीट होने के बाद आप इसमें रेटिंग देना कि 10 में से आप इस बिल्ड को कितने नंबर देना चाहते हो। अब मैं अपने बिल्ड के डेकोरेशन का काम कर ही रहा था कि यहाँ पर एक ट्रेडर आ जाता है, जिसके पास कुछ खास ट्रेड तो नहीं थी, तो मैं यहाँ पर इसको मार के थोड़ी सी लीड्स ले लेता हूँ। अब अपना बिल्ड ऑलमोस्ट 90% बनके तैयार हो चुका है, अब फटाफट से इसे देखने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके आसपास में कुछ और ट्रीज वगैरह लगाने वाला हूँ, और इसकी बाउंड्री को मैं फेंसिस लगा के पूरा कवर करने वाला हूँ, इस प्लेटफॉर्म की बाउंड्री को। और वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो इसके फर्स्ट फ्लोर की डेकोरेशन का काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है यहाँ से। अब क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ग्लास स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैं फटाफट से उनको अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ और चेस्ट में वापस रख देता हूँ, जो कि हमें आगे काम आ सकते हैं। अब मैं आयरन से एक शेयर बना लेता हूँ, और हमको बहुत ज़्यादा वूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बेड बनाने पड़ेंगे ताकि आगे जाकर हम अपने विलेजर की आर्मी तैयार कर सके, जिनसे ट्रेड वगैरह करके मैं इस वर्ल्ड में और ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ। तो सभी वूल को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट शाम होने ही वाली थी, तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, क्या पता कोई लकी चेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर एक चेस्ट तो मिल जाती है, जिसके अंदर से एक कंपास मिल जाता है और बाकी थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। तो मैं फटाफट से अपने नए बिल्ड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बेड लगा के सो जाता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि इस खिड़की से देखने में व्यू कितना औसम लग रहा है, यहाँ से हम अपने पूरे बेस को देख सकते हैं। तभी मैं इस कंपास से थोड़ी बहुत छेड़खानी करने लग जाता हूँ, और ये कंपास अपने वन ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट कर रहा था। अब अपने सभी सामान को शॉर्ट करने के बाद मेरे पास जितना भी वूल था, मैं उससे बहुत सारे बेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। और चलिए अब फटाफट से इसे अपने ट्रेडिंग हॉल के बेसमेंट में लगा देते हैं, इसको लगाने के बाद ये जगह और भी अच्छी लगने वाली है। एंड अभी आप देख सकते हो कि इसका इंटीरियर दिखने में कितना क्लीन और अच्छा लग रहा है। खैर वो सब छोड़ो, अब टाइम आ चुका है अपने प्लेटफॉर्म पे आने के रास्ते को और भी अच्छे से डेकोरेट करने का। एंड अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरह से ट्रेडिशनल लुक में बना के कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करने वाला हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो कि इसके बाउंड्री का काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने जाने का काम भी पूरा सेफली होगा। अब इस प्लेटफॉर्म के लेफ्ट और राइट में जो जगह खाली है, उसके ऊपर मैं कुछ ट्री को प्लांट करने वाला हूँ, जो कि ग्रो होने के बाद दिखने में और भी अच्छा लगेगा। एंड अब मैंने काफी देर तक इसके ऊपर वर्क करके अपने ट्रेडिंग हॉल के रास्ते और अपने ट्रेडिंग हॉल को अब काफी ज्यादा कस्टमाइज कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो कि आप भी बताओ कि मैंने क्या गलती करी थी। चलो यार मैं बता ही देता हूँ, इसके ऊपर जो आप छत देख रहे हो टॉप फ्लोर पे, वो मैं बनाना भूल गया था, जो कि मैंने अब बना के कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल तो अपने ट्रेडिंग हॉल का काफी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका था, तो अब मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही विलेजर है, और अभी हमें को एक और विलेजर चाहिए ताकि हम इन्हें ब्रीड करवा के बहुत ज्यादा विलेजर कर सके। तो मैं यहाँ पे काफी देर तक माइनिंग करने लग जाता हूँ, और यहाँ पे कुछ हमें टर्टल वगैरह मिलने लग जाते हैं, और पता नहीं क्यों मैं इस बेचारे टर्टल को रस्सी में बांधना चाह रहा था, बट ये रस्सी में बंद नहीं होता है।
अब माइनिंग करते हुए यहाँ पर एक सुपर चेस्ट आ जाती है जिसके अंदर से एक डायमंड और थोड़ा सा गोल्ड का सामान मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा माइनिंग करता हूँ तो हमें कुछ खास सामान भी नहीं मिलता है, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को देखने में थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल चेस्ट आ जाती है जिसके अंदर से पहले की तरह TNT मिलते हैं और यहाँ पर एक खास चीज़ मिलती है जो कि है एक मैप। अब क्योंकि ये एक अननोन मैप था तो पता नहीं यहाँ पर हमें खजाने की लोकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट मैंने जैसे ही इस मैप को खोला ये हमारे वर्ल्ड को ही दिखाने लग गया है। खैर ये भी एक अच्छी बात है, और इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड किया है और किस शेप में एक्सपेंड किया है। खैर थोड़ी देर तक इस मैप से मजे लेने के बाद मैं यहाँ पे वापस से माइनिंग के काम को शुरू कर देता हूँ। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ओशन मॉन्यूमेंट का मॉब आ जाता है जो कि मेरे को माइनिंग फटिक दे देता है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी माइनिंग नहीं कर पा रहा था और इसका असर लगभग 4.5 मिनट तक होने वाला है। तभी मैं उससे बचने के लिए अपने ट्रेडिंग हॉल में आ जाता हूँ और सो के यहाँ पे डे कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे मैं कुछ चीज़ों को माइनिंग करके ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे अभी माइनिंग फटिक का असर खत्म नहीं हुआ था। फिर मैं अपने सामान को थोड़ा बहुत शॉर्ट करके एक शील्ड बना लेता हूँ और अपनी डायमंड की शॉर्ट से चले जाता हूँ उससे फाइट लेने के लिए। और ये बंदा लिटरली वन शॉट में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ खा रहा था, बट जैसे तैसे करके मैं इसको यहाँ पे मारने की ट्राई करता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसको मार देता हूँ। तभी मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मैं गेट नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसने दोबारा से माइनिंग फटिक दे दिया था। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे को एक वाटर बकेट बनानी पड़ेगी, जिसको वाटर बकेट बना के मैं यहाँ पर एक दूध ले लेता हूँ, और दूध को पीते ही यहाँ पे माइनिंग फटिक का असर खत्म हो चुका था। फिर मैं दोबारा से माइनिंग के काम को शुरू कर देता हूँ, और थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद यहाँ पर एक फिश आ जाती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बकेट के अंदर कैप्चर कैसे किया जाए। अगर आप में से किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट कर दो यार, मेरे को पता चल जाएगा। और अगर आपको ऐसे कुछ टिप्स वगैरह देनी है तो वो भी कमेंट कर दो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसी के साथ इस फेज में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कर ली थी, तो मैं माइनिंग करते हुए थोड़ा सा थक गया था, तो मैं फटाफट से आ जाता हूँ अपने फार्म के अंदर और दोबारा से खाना चोरी के मतलब दोबारा से यहाँ पे अपने फार्मर की थोड़ी सी हेल्प करने लग जाता हूँ। और अपने फूड फार्म से सभी आलू को लेने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने एनिमल फार्म के अंदर और यहाँ पे सभी पिग्स को ब्रीड करवाने लग जाता हूँ ताकि आगे जाकर हम इन्हें खा सके, इनको अच्छे से पाल पोस सके। और इन सभी को ब्रीड करवाने के बाद मैंने लगभग इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दी थी कि आगे जाके मुझे लगता था कि मेरे को एक और अलग से फार्म बनाना पड़ेगा जो कि अपने एनिमल्स के लिए अलग से फार्म होगा। बट खैर वो सब चीज़ें तो आगे की वीडियो में देखी जाएगी, बट अगर आप लोगों को कोई बिल्ड का आइडिया देना है तो फटाफट से कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उस बिल्ड को बनाने की। अब मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के लेफ्ट और राइट में कुछ डर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ, जिसके ऊपर मैं ट्री सैपलिंग्स लगा देता हूँ, और साथ ही मैं चेस्ट के अंदर मेरे पास जितनी भी बोन रखी हुई थी मैं उनको बोन मिल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फटाफट से सभी ट्री को ग्रो कर देता हूँ। और अब हमारा ट्रेडिंग हॉल का कम्प्लीटली बेस बनके तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में कैसा लग रहा है वो मैं आप नहीं बताऊंगा। अब आप बताओगे कमेंट में कि 10 में से आप इस ट्रेडिंग हॉल को कितने नंबर देना चाहते हो। वैसे अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस वर्ल्ड के अंदर मैंने जितने भी बिल्ड बनाए हैं अभी तक उसमें सबसे अच्छा बेस है ये, और नेक्स्ट बिल्ड में मेरे को क्या बनाना चाहिए फटाफट से कमेंट करके बता दो। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सर्वाइवल सीरीज़ को बंद करके एक नई सर्वाइवल सीरीज़ शुरू करूँ 1.20 वर्जन में, जो कि मैं PC के अंदर खेलने वाला हूँ, जो कि दिखने में और भी औसम लगेगा, जिसकी वीडियो मैं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाती है, जो कि इस वीडियो का गोल है, तो मैं इस सर्वाइवल सीरीज का 5वां पार्ट भी बना दूंगा। अदरवाइज अगर इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट नहीं होती है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं चाहिए, तो फटाफट से 100 लाइक कंप्लीट करवाने में थोड़ी सी हेल्प कर दो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर देना, और 1.20 की नई सर्वाइवल सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।